हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे गुड मॉर्निंग में आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल में। तो आज देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। ये मीडियम साइज़ के आलू हमने उबाल लिए हैं, इसको छील लिए हैं और देखिए कितना बढ़िया रेसिपी हम बनाएंगे इसका, जिसे बोलते हैं आलू का कचौड़ी। तो सबसे पहले हमने इसको छील लिया, उसके बाद देखिए इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाए हैं, इसको इसमें ऐड करेंगे। इसको हमने ऐड कर दिया। इसके बाद हम इसमें अजवाइन डालेंगे। अजवाइन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसीलिए अजवाइन ज़रूर डालें। तो इसमें हम अजवाइन भी ऐड करेंगे। ये रहा अजवाइन, तो हल्का हम इसको मीस लेंगे। मीसने से इसकी महक अच्छी आती है। इसको मीस के ही डालें, ऐसे ना डालें अजवाइन। इसमें अजवाइन ऐड कर दिए हैं और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी धनिया। तो हरी धनिया हमने काट ली है, अब इसको इसमें हम मिला देंगे ऐसे। इसको मिला देंगे अच्छे से। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम ये नमक। नमक स्वाद अनुसार, बहुत ही अच्छा कचौड़ी बनके रेडी होने वाला है। स्वाद अनुसार आप नमक डालिए। तो हेलो दोस्तों, हमने सब चीज़ इसमें ऐड कर दिया है। तो अभी मैं इसको ऐसे इसको फोड़ के मिला लेंगे अच्छे से। तो चलिए फोड़ के अच्छे से मिला लेते हैं, इसको अच्छे से मिला लेंगे। हेलो दोस्तों, तो देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, फोड़ के तैयार कर लिए हैं। तो अब हमको हमें इसको आटा में भरेंगे। तो चलिए भर के दिखाते हैं आप लोगों को, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हेलो दोस्तों, तो देखिए हमने आटा मीडियम साइज के इसका कर लिया है लोई। तो इसको हम इसमें भरेंगे। तो चलिए भर के दिखाते हैं ऐसे इसको करके, और इसके अंदर हम ये बना हुआ आलू के चोखे डालेंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो ऐसे धीरे धीरे इसको हम बंद करेंगे, बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है, बहुत पसंद आता है ये। कम समय में बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। बहुत लोगों को कचौड़ी बहुत पसंद है, हमें भी पसंद है। तो ये देखिए हम इसको भर दिए हैं। तो ऐसे ही हमें सारा कर लेना है, ऐसे कर लेना है। तो देखिए रेडी हो गया है। तो ऐसे ही इन लोगों का भी कर लेना है। तो करके चलिए, देखिए हमने तब ऐसे बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसको तेल में तलेंगे। तो चलिए तलते हैं इसको। हेलो दोस्तों, तो देखिए हमें ऑयल गर्म हो गया है। तो इसमें हम अब इसको बना हुआ कचौड़ी डालेंगे, इसे सारा डाल देंगे अच्छे से और धीमी आंच पे इसे पकाएंगे। धीमी आंच पे, हल्की आंच पे पकाएंगे, क्योंकि इसलिए कि कच्चा ना रहे, अच्छे से हो जाए और बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए इसको धीरे धीरे हम पलाटेंगे। इसको धीरे धीरे हम पलाट लेंगे अच्छे से। देखिए हल्का हल्का ब्राउन हो गया है, इसको हल्का हल्का पलाट लेंगे। बहुत ही अच्छा बनने के बाद लगता है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग भी। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें। मैं रुचि देवी ऐसे ही रेसिपी बना के भेजती रहूँगी आप तक। तो भी आलू कचौड़ी बहुत लोगों को पसंद है, हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कम समय में बन के तैयार हो जाएगा। देखिए हल्का हल्का ये ब्राउन हो गया है, और इसको हम धीमी आँच पे थोड़ी देर और पकाएंगे। तो देखिए हमारी कचौड़ी बन के तैयार हो गई है। देखिए सारी कचौड़ी हल्की हल्की फूल गई है, तो धीमी आंच पे बनाने से ही फूल जाती है ये। तो इसका मतलब अंदर तक हो गया है। तो अभी इसको निकालेंगे हम।
तो चलिए निकाल लेते हैं इसको प्लेट में। नान बन के रेडी हो गया है, कचौड़ी हमारा सारा निकाल लेंगे। तो दोस्तों देखिए हमारा कचौड़ी बन के रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छा बना है। आप चाय के साथ भी इसे खा सकते हैं, कोई मेहमान आए तभी खा सकते हैं। तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर लाइक अगर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करो। देखिए ये अंदर तक हो गया है, इसको फोड़ के दिखा रही हूँ आपको। देखिए बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।